नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर सकते हो। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा केवल कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। इसमें पॉइंट्स का खेल है सब, और अगर हम पॉइंट्स को समझ जाएँ तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि फिगर डेपोजिट्स अ रेस्टिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्क्यूलर, जिसका लेफ्ट और राइट ये जो एंड है वो सेमी सर्क्यूलर है। द डिस्टेंस ऑफ टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। जो इनर पैरेलल लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 मीटर है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, राइट? अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये डायमीटर बन जाएगा। डायामीटर अगर 60 है तो ये कितना बन जाएगा? 30 आएगा रेडियस इसका। ऐसे सेम यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और जो यहाँ की डिस्टेंस है ये 106 मीटर लॉन्ग है, राइट? यहाँ से ए से लेकर के बी तक की आपको करना है कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रेन अलॉन्ग इट्स इनर एज। जो ट्रैक है उसका इनर एज का डिस्टेंस क्या होगा? इनर एज का डिस्टेंस मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस ये जो कवर हो रही है इस डिस्टेंस को की मेजरमेंट क्या होगी, क्या लेंथ होगी इसकी? तो यहाँ पर सेमी है, यहाँ पर जाएगा सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, इस सेमी सर्किल को, इस सेमी सर्किल को, और इसके बाद जो ये लेंथ है इस लेंथ को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, राइट? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 106 ये तो पूरा 106 भी तो होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन में, फर्स्ट सॉल्यूशन द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज इक्वल टू, क्या करिएगा पहले यहां पर आप लिख दें पेरीमीटर ऑफ, या सर्क्यूमफेरेंस लिख सकते हैं, पेरीमीटर एक ही बात है, पेरीमीटर ऑफ जी एच आई प्लस पेरीमीटर ऑफ जे के एल प्लस यहां से जी एल की लेंथ ले लें और यहाँ पर जे आई की या आई जे लगा दें, आई जे की लेंथ, राइट? यहाँ पर ये पॉइंट एफ इसका है। अब पेरीमीटर के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर पाई आर होता है ना भाई, यहाँ पर कितना जाएगा पाई, और इसके लिए आप लगा देंगे डी। तो यहाँ पर हमारे पास आर है पाई आर, 2πr, इसका यहाँ पर 2πr, पूरे सर्किल के लिए क्या होता है 2πr होता है, अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर, अगर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आपने लिखा पाई इंटू 30 प्लस पाई इंटू 30 प्लस जीएल और आईजे की लेंथ कितनी है 106 है, तो यहां पर 106 प्लस 106 ये आप निकाल दें, यहां पर मीटर में आएगा आंसर। क्या करिएगा पाई को कॉमन ले लें, पाई आपने यहाँ पर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर जाएगा 30 पहले आप प्लस कर दीजिए तो ये जाएगा 60 पाई प्लस 6 12 और 112, ठीक 60 पाई। और यहाँ पर अब आप लगा दें मीटर में लगें और 60 × 22/7 प्लस 212 मीटर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लिया 0, 6, 2, 12, 12 and 1, 13 और यहाँ पर अपान 7 + 212 = मल्टीप्लाई करिए 13, 20 and + 7, 2 = 14 कैरी 1, 7, 1 = 7 and 1, 8 and 7, 2 = 14 upon 7 प्लस कर दीजिए आप इसको, प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 2804/7 मीटर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें या आप इसी में इसको कर दें,
इसको आप एक बार कॉपी कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे पर द एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करेंगे। एक बार इसे आप वीडियो को रिज्यूम करके कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है द एरिया, इस पॉइंट को हमने फाइंड करना द एरिया ऑफ द ट्रैक। द एरिया ऑफ द ट्रैक आप यहां पे नोट करें, द एरिया ऑफ द ट्रैक कहां से शुरू जाएगा आपका, ए यहां से स्टार्ट हुई है, ए एफ ई, ए एफ ई, ठीक है, ए एफ ई। फिर आपका कहां चलेंगे, आई एच जी ए, आई, ठीक है, आई के साथ एच जी और ए। तो यहां पर मैंने एरिया ऑफ द ट्रैक आई एच जी और ए, इस तरह से हमें इसको पूरा कवर करना है एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रैक के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा वन अपॉन टू मल्टीपल बाई पाई। देखिए यहां से 30 था, यहां से ये 30 और 30 ये होगा, तो 30 में ये जो 10 है यहां पर ऐड हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 कितना जाएगा 40 होल स्क्वायर, ठीक। और इसमें से 1/2, ठीक है, पाई भाई आउटर से इनर को आप माइनस करोगे पाई, और यहां पर कितना जाएगा इनटू, भैया यहां पर 10 हमने इसको बाहर के लिए प्लस कर लिया था, अब यहां पर हम क्या करेंगे, केवल 30 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां 1/2 पाई दोनों में है ना, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 होती, कॉमन कर दीजिए, यहां होगा 40 होल स्क्वायर और माइनस 30 होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। 1/2 इंटू 22/7, यहां पर 40 प्लस 30 कितना जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां पर 40 प्लस 30 एंड 40 माइनस 30, 1/2 इंटू 22/7, 40 30 70 एंड 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। देखिए यहां पर ये इससे डिवाइड हो गया, कितना आ गया 10, इससे ये डिवाइड हो गया, कितना हो गया यहां पर 25 जा, यहां पर 22 इंटू 50 जीरो, 5 2 जा 10, 10 1 11 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 1100 मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे द एरिया ऑफ द ट्रैक, वो ट्रैक कौन सा होगा, वो ट्रैक होगा आपका बी सी डी, यहां से बी सी डी जे के एल, बी सी डी जे के एल, ठीक है, बी सी डी जे के एल, और फिर आप वापस जाएंगे बी पर, तो बी पर आप पहुंच गए। अब इसका क्या होगा, सेम जो यहां पर कंडीशन बनी है वही कंडीशन सेम यहां पर होगी, तो हमें इसको बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर लिख देंगे 1100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल, जो इसकी डिस्टेंस है वही वहां पर डिस्टेंस है, तो आपको यहां पर दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, यहां पर एक रेक्टेंगल बना और यहां पर एक रेक्टेंगल बना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, कौन सा, ए बी जी एल, ए बी जी एल, इसके लिए देखो 106 लेंथ होगी और विड्थ 10 है, तो यहां पर कितना हो गया 1060 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट ई डी जे आई, यहां पर लिखेंगे ई डी जे आई, इसके लिए भी वही होगा 106 लेंथ है और 10 यहां पर है, तो यहां पर भी जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, 1100
प्लस 1100 प्लस 1060 और प्लस 1060 मीटर स्क्वायर करिए प्लस, यहाँ पर ये 2200 जाएगा, यहाँ पर 06612 कैरी 1 और यहाँ पर 1 हो गया और 2 हो गया मीटर स्क्वायर, फिर प्लस कर लीजिए 02213 और 224 4320 मीटर स्क्वायर इस ट्रैक की पूरी एरिया होगी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखें फिर करें और फिर उसको आप मिलान करें, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पर आप डिजिट चेंज कर लीजिए, नंबर चेंज कर लीजिए और फिर इसको करिए, आपको दूसरा क्वेश्चन करने का भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉच।